हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक सैटेलाइट इमेज निकलकर सामने आई है चाइना के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की, जो कि फुजियान है। और इस सैटेलाइट इमेज में जो डेक है उस पर एक बड़ा क्रैक देखा गया है। तो ऑनलाइन इस मुद्दे को लेकर चर्चा चालू हो गई कि ये इतना बड़ा क्रैक इस एयरक्राफ्ट कैरियर में अभी से ही आ गया है, जबकि इस पर काम अभी से किया जा रहा है। तो इसकी क्वालिटी पर लोगों ने सवाल उठाने चालू कर दिए। हम अपनी बात करें तो हमें पर्सनली ये क्रैक नहीं मालूम होता है। हो सकता है जो डेक है उस पर किसी तरीके की कोटिंग करी जा रही हो और वो आधी ही पूरी हुई हो, इसलिए ऊपर से ये क्रैक जैसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये चाइना का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो ये दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको चाइना द्वारा बनाया जा रहा है, तो इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो ये चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम से कम इन्हें मटेरियल साइंस की इतनी तो नॉलेज होगी कि इनका नए एयरक्राफ्ट कैरियर का जो डेक है वो कम से कम क्रैक ना हो। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है और दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इसे टाइप 003 क्लास के अंतर्गत बनाया गया है, जिसे बाद में फुजियान का नाम दिया गया। तो ये 2022 में यानी कि पिछले साल ही लॉन्च कर दिया गया था, और अभी ऐसा कहा जाता है कि इसमें फिनिशिंग करी जा रही है, चीज़ों को फिट किया जा रहा है इसे ट्रायल्स में निकालने से पहले। तो ये चाइना का पहला सुपर कैरियर आप इसे कह सकते हैं, जो कि 80,000 टन क्लास कैटेगरी में आता है। करीबन 316 मीटर इसकी लंबाई मानी जाती है, और कहा यह जाता है कि ये 40 से 50 एयरक्राफ्ट एक बार में कैरी करने में सक्षम होगा। तो ये कई ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रहा है जो कि एक्चुअली चाइना के लिए नई होंगी, जैसे कि इसमें इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन को यूज़ किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर कैटापुल्ट लॉन्च असिस्टेंस के लिए ईमास यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च असिस्ट को यूज़ किया जाएगा। तो जनरली ईमास जो है ये न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ यूज़ होता है, जैसे कि जेराल्ड आर फोर्ड क्लास में यूज़ किया गया है, पर चाइना द्वारा एक कन्वेंशनली पार्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ इन सिस्टम्स को यूज़ किया जाएगा, जो कि अगर सक्सेसफुल है तो एक बड़ी अचीवमेंट है। पर अभी तक यहाँ पर जो ईमास सिस्टम लगा है इसको देखा नहीं गया है। तो जब से ये एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च हुआ है तब से ये जो ईमास सिस्टम है इसको कवर करके रखा गया है पूरी तरीके से। इवन सैटेलाइट इमेजेस में भी आपको ये सिस्टम कवर्ड दिखाई देगा। तो टोटल 3 कवर्ड एरियाज हैं, यानी कि 3 लॉन्च साइट्स यहाँ पर हैं जहाँ से एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जा सकता है। तो कल ही हमने बात करी थी कि कैसे यूके के जो क्वीन एलिजाबेथ 2 क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनको मॉडिफाई किया जा सकता है कैटोबार में, और ईमास सिस्टम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। वो एयरक्राफ्ट कैरियर भी कन्वेंशनली पार्ड है और इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन को यूज़ करते हैं। तो ईमास सिस्टम को फंक्शनल रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर की रिक्वायरमेंट होती है, और ऐसा माना जाता है कि जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये ईमास सिस्टम्स के लिए आइडियल है, जैसा कि जेराल्ड आर फोर्ड क्लास के कैरियर्स हो गए। पर चाइना द्वारा ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ब्रेक थ्रू अचीव किया है इस फील्ड में कन्वेंशनली पार्ड एयरक्राफ्ट कैरियर से ईमास सिस्टम को इनेबल करने के लिए, और ये सेम चीज़ जो है हो सकता है फ्यूचर में रॉयल नेवी द्वारा भी अप्लाई करी जाए अपने क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर्स में। साथ ही साथ कल हमने इस पर भी चर्चा की थी कि कैसे इंडिया और यूके मिलकर इंटीग्रेटेड प्रोपल्शन सिस्टम पर काम कर सकते हैं, और इस चीज़ पर बातचीत भी चल रही है। साथ ही साथ एक एरिया ऑफ वर्क यहां पर एग्जिस्ट करता है जहां पर इंडिया और यूके मिलकर ईमास सिस्टम पर काम भी कर सकते हैं, जिसको हम NS विक्रांत क्लास के सिस्टर एयरक्राफ्ट कैरियर में यूज़ कर सकते हैं। खैर, वो पॉसिबल सिनेरियोज हैं, और यहाँ पर हम एक्चुअल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं जो कि चाइना द्वारा किया गया है। ऑल्दो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये भले ही अभी तक अपने ईमास सिस्टम्स के साथ शोकेस ना किया गया हो, पर इनके द्वारा कैटापुल्ट लॉन्च असिस्टेंस के साथ ट्रेनिंग करी जा रही है इनके ग्राउंड बेस्ड टेस्ट फैसिलिटीज से, जिसके लिए इन्होंने अपने J-15 को मॉडिफाई किया है कैटापुल्ट लॉन्च होने के लिए। साथ ही साथ ये E-2 हॉकआई जैसे एवैक्स पर भी काम कर रहे हैं जो कि इन एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च हो सके। तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भले ही 2022 में लॉन्च कर दिया गया हो, लेकिन अभी इसको बनने में समय लगेगा। माना यह जाता है कि इसके जो सी ट्रायल्स हैं ये 2023 से ही चालू हो सकते हैं, पर ईमास ऑपरेशंस को परफेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा समय जाएगा। ये चीज़ हमने देखी है कि जो US के जेराल्ड आर फोर क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये 2017 से ही सर्विस में हैं, लेकिन अभी तक इनको प्रॉपरली डिप्लॉय नहीं किया गया था, और इनके जो डिफरेंट ट्रायल्स हैं ये कंटिन्यूसली चल रहे थे, और वो भी उस केस पे जहां पर जो ईमास टेक्नोलॉजी है थोड़ी मैच्योर थी। साथ ही साथ उन्हें कैटापुल्ट लॉन्च का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था, और इनके जो एयरक्राफ्ट हैं ये सालों से कैटापुल्ट असिस्टेड लॉन्च को परफॉर्म कर रहे थे।
जबकि चाइना के साथ केस डिफरेंट है। इनके लिए ये सब कुछ नया है। इन्होंने पहली बार ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, साथ ही साथ ये पहली बार एक कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करेंगे, जिसके लिए जो एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं ये इन्होंने मॉडिफाई किया है कैटापुल्ट लॉन्च परफॉर्म करने के लिए। तो एक चीज हम कह सकते हैं कि इनके इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कंप्लीटली सर्विस में आने में अच्छा खासा समय लगने वाला है, भले ही इसके सी ट्रायल्स इस साल ये चालू कर दें। और हमें जहां तक लगता है इसके बेसिक सी ट्रायल भले ही चालू हो जाएं, पर जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं इनको चालू करने में कम से कम 2 से 3 सालों का समय लग सकता है। उसके बाद भी चीज़ों को परफेक्ट करने में हम और समय लेकर चल सकते हैं। तो ये चीज़ भी हम यहाँ पर ऐड कर दें कि इसके लिए जो प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं जो कि यहाँ से ऑपरेट होंगे, ये भी काफ़ी नए हैं। जो एवैक्स बनाया गया है, जिसे ये KRA-600 कह रहे हैं, जो कि हूबहू कॉपी है E2 Hawkeye की, इसको भी इन्होंने नया नया बनाया है और इसकी भी टेस्टिंग चल रही है। इसकी परफॉर्मेंस का भी वैलिडेशन होगा, सर्टिफिकेशन प्रोसेस होंगे, उसके बाद इसे कम्प्लीटली ऑपरेशनल घोषित किया जाएगा। साथ ही साथ जो J-15s हैं इनको भी मॉडिफाई किया गया है कैटापुल्ट लॉन्च परफॉर्म करने के लिए, उसके बाद इसके भी टेस्टिंग ट्रायल चल रहे हैं, उनके भी सर्टिफिकेशन प्रोसेस चल रहे हैं और उनके भी नए वर्जन आ रहे हैं। फिर लास्टली जो 5th जनरेशन J-35 फाइटर ये लोग बना रहे हैं, ये भी टेस्टिंग फेज में है, लगातार ट्रायल्स इसके भी चल रहे हैं और अभी खाली जनरल फ्लाइट ट्रायल्स चल रहे हैं, डेक ट्रायल्स अभी कंडक्ट करने स्टार्ट भी नहीं किए गए हैं। तो J-31 को भी सर्विस में आने में कम से कम 3 से 4 साल लग सकते हैं। तो अपनी कंप्लीट कैपेबिलिटी में ये एयरक्राफ्ट आने वाले 5 सालों में ही पहुंच पाएगा, जो कि थोड़ा लंबा समय दिखाई तो दे रहा है, पर इस कैपेबिलिटी को मैच्योर कर पाना ही बड़ी बात है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जो फुजियान है ये इनका पहला सुपर कैरियर है, इसके बाद इससे भी बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर ये बना रहे हैं, जो कि Type 004 पहले कहा जाता था, लेकिन अब उसे Type 003 कहा जाएगा। और क्योंकि जो फुजियान है ये उसका बेस बनेगा और यहाँ पर जो मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज़ हैं ये मैच्योर कर ली जाएंगी, तो Type 004 का जो डेवलपमेंट है वो कंपेरेटिवली फास्टर पेस में होगा। इवन जो Type 002 फुजियान है इसका डेवलपमेंट भी काफ़ी फास्ट पेस में हुआ है, क्योंकि शेंगडोंग को बनाने के बाद अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाइना को मिला था, इसलिए जो बेसिक ढांचा है ये जल्दी बनकर तैयार कर लिया गया, लेकिन जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है इसको मास्टर करने में इनको यहाँ पर समय लग रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।